हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ माइक्रोवेव में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी ग्रिल्ड फिश फ्राई। तो चलिए बना लेते हैं हम ये यमी यमी सा ग्रिल्ड फिश। इसके लिए मैंने एक बोल में आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, और साथ ही में मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही में मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, और एक चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये लेमन जूस। मैंने ये एक नींबू का जूस निकाल लिया था। इन मसालों को अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। हाथों से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे। ये मैंने 600 ग्राम फिश ली है, इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। गर्म पानी से मैंने इसे साफ किया है। गर्म पानी से फिश को साफ करने से बहुत अच्छे से फिश साफ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, इस तरीके से मसाले को हम इस पर कोट कर देंगे। हाथों से करेंगे तो बहुत अच्छे से ये मसाले लगेंगे फिश पर। तो देख लीजिए, मैंने अच्छे से मसाले लगा लिए हैं। अब मैं इसे कवर करके आधा घंटा रेस्ट पर छोड़ती हूँ। फ्रिज में मैं इसे रख दूंगी आधा घंटा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो लगभग 2 घंटा आप इसे फ्रिज में रख सकते हो। अब मैं इसे स्टैंड पर लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये विदाउट ऑयल भी बन जाता है। आपकी मर्जी है कि आप इसमें ऑयल लगाते हैं या फिर बिना ऑयल के बनाते हैं। अब हम इसे माइक्रोवेव में डाल देते हैं, और अब इसमें मैं टाइम सेट कर देती हूँ। 20 मिनट का टाइम मैं इस पे सेट कर देती हूँ। दस मिनट बाद मैं इसे स्टॉप कर दूंगी और फिर इसे बाहर निकालूंगी मैं। एक साइड से ये सिक गए हैं, अब मैं इसे पलट देती हूँ दूसरी साइड से। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हम एक साइड से इसे ग्रिल करेंगे और 10 मिनट दूसरी साइड से। फिर से इसे डाल के हम माइक्रोवेव स्टार्ट कर देंगे। तो 20 मिनट में ये अच्छे से ग्रिल हो जाएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल देती हूँ और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। आप इसे बिना ऑयल के खाना चाहते हैं तो ये बन करके रेडी है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे तो और भी ज्यादा ये क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के बस 2 मिनट में इसे फिर से ग्रिल कर लूंगी और ये फिश फ्राई बन करके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद 2 मिनट फिर से इसे ग्रिल मोड पर लगा दिया था और ये फिश फ्राई बन करके तैयार है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इतना क्रिस्पी ये बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी ग्रिल्ड फिश फ्राई बना के मैंने तैयार कर लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मुझे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।